लोकतंत्र में हम लोग संसार हुए हैं और बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र को संसार करने का काम किया है, ये हम सब लोगों के जानते हैं, चाहते हैं कि भंग करा दे। जो बिहार विधानसभा जो है वो भंग कराना चाहते हैं। अब क्यों भंग कराना चाहते हैं, क्या बात है, क्या कारण है, यही इनका मकसद है कि भाई सात चुनाव करा लो का काम कीजिए, ताकि जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था उसको हम लोग जो है मुकाम तक पहुंचाने का हम लोग काम करें। आप देख रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल यानी कि 20 फरवरी से यात्रा पर निकल रहे हैं, और ये यात्रा जो है इसलिए की जा रही है जिस तरीके से 17 महीने की सरकार जो है वो बिहार में चली ना, उन उपलब्धियों को बताएंगे जनता के सामने जाकर, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव जो है वो यात्रा निकाल रहे हैं। कल यानी कि 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से वो निकलेंगे, और इस यात्रा का नाम जो है वो जन विश्वास कार्यक्रम दिया गया है। जनता का विश्वास तेजस्वी यादव ने जीता है, और ये बताने के लिए जनता के बीच तेजस्वी यादव जा रहे हैं। कल यात्रा है, उससे एक दिन पहले और रात में तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव आकर अपने दिल की बात की है, अपने मन की बात की है, अपने विजन को क्लियर किया है। नीतीश कुमार पर हल्ला बोला है, कहा है कि मुख्यमंत्री के पास तो कोई विजन ही नहीं है, हमने तो अपनी क्षमता का केवल 10% इज ही काम किया है। अगर सोचिए कि अगर पूरा काम करते तो क्या कुछ होता। नौकरियों को लेकर भी उन्होंने बात की है, और कहा है कि समाज के हर जाति हर वर्ग जो है वो इस यात्रा से जुड़े, और ये यात्रा मुजफ्फरपुर से शुरू होगी और एक तरह से पूरा बिहार तो नहीं लेकिन 80% बिहार वो कवर अप करने जा रहे हैं इस यात्रा में। आगे देखिए वीडियो में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है मुझे देरी हुई है आप लोगों के बीच फेसबुक ऑनलाइन आने में, लेकिन काफी दिनों से हम चाहते थे कि आप लोगों से जो है संवाद करें और अपनी बात को जो है आपके समक्ष रखें, और आप लोगों का हमेशा से प्यार और समर्थन, और आप लोगों ने हमेशा से अपनी ताकत को दिया है, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि कल जो है जन विश्वास यात्रा में हम बिहार के दौरे पर यात्रा पर निकल रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका जिस प्रकार से जन विश्वास पहले भी आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था, विश्वास किया था, आगे आने वाले समय में भी आप सब लोग जो है मुझ पर विश्वास और भरोसा कीजिएगा। और जो विश्वास आप लोगों ने जताया था, लोकतंत्र में हम लोग संसार हुए हैं और बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र को संसार करने का काम किया है, ये हम सब लोगों के जानते हैं। और विधानसभा में जब ट्रस्ट वोट जब हो रहा था तो उसमें हम लोगों ने कई बातें जो है रखी, और मेरा मानना है कि चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों को अफसोस नहीं है उनके जाने का, लेकिन जिन मुद्दों के साथ हम लोग खड़े थे आज हम लोग उसी विचारधारा और मुद्दों के साथ खड़े हैं, अडिग हैं। और हम लोगों को 17 महीने काम करने का मौका मिला, और जो इन 17 महीनों में जो काम हुआ है वो 17 साल में भी काम नहीं हो पाया। लाख सरकारी नौकरी देने का बात किसके मुंह से आपने सुना? 2020 में आप सब लोगों को याद दिला दे कि सबसे पहली बार हमने 10 लाख नौकरी का जो है वादा नहीं बल्कि प्रण लिया था। हम लोगों ने साइंटिफिक अध्ययन किया था और 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कही थी, क्योंकि हम लोगों ने सारी साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद हुआ कि कई विभागों में, बड़े बड़े विभागों में, छोटे विभागों में जो है नौकरियां जो है वहां मिल सकती हैं, उन्हें बहालियां निकाली। और देश में कहीं भी नियुक्ति पत्र वितरण नहीं होता था, हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया, तो देश भर में देख करके प्रधानमंत्री जी ने भी नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। हालांकि केंद्र में अब कितना रोजगार बचा है, चाहे रेलवे हो या और भी
जगह है वो आप लोग सब लोग भली भांति जानते हैं कि बहालियां निकल नहीं रही है, उसलिए हम लोगों ने जो लकीर खींची है आज मजबूरन सबको जो है नौकरी की बात करना है, और इससे साफ हो गया कि कौन लोग कितने गरीब हैं, कौन लोग कितने भूमिहीन हैं, कौन लोग जो है भीख मांग करके गुजारा करते हैं, सारी बातें जो है स्पष्ट हो गई, सामने आ गया। और उनके लिए हमारी एक और सोच थी कि सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग लोगों को आर्थिक न्याय भी हम लोग दिलाने का काम करें, तो उस दिशा में हम लोगों के सरकार ने सारा काम भी हम लोगों ने किया। और जो अभी बिहार सरकार ने बजट जो पेश किया है उस बजट में तो हमारे ही मंत्रियों का साइन है। अगर आप फाइल उठवा करके मंगा ले, अगर फाइल अगर देखा जाए तो जो बजट जो पेश हो रहा है उसमें केवल जो है राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के जो मंत्री थे उन्हीं का ये बजट बनाया हुआ है। और हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, मुख्यमंत्री जी कम से कम स्वास्थ्य विभाग में जो हमने पब्लिक हेल्थ कैडर जो बनाने का काम किया, आपको कई बार कैबिनेट में दो बार गया आपने मना कर दिया, कैबिनेट में लाने से मना कर दिया। आशा की बात थी, ममता की बात थी, उस फाइल को भी हमने किया, 2500 तक वांदे हम लोगों ने कराने का काम किया, जिस फाइल को कैबिनेट आने से भी रोका जाए, कम से कम उन हमारी दीदियों को, महिलाओं को, माताओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो आप दिलाने का काम कीजिए। और यही नहीं बल्कि हम लोगों ने तो कर रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि बिहार के जितने नौजवान हैं, जितने हमारे साथी हैं, वो सब लोग जो है आने वाले समय में आप हमारी ताकत बनिए, आप हमको ताकत देने का काम कीजिए, ताकि जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था उसको हम लोग जो है मुकाम तक पहुंचाने का हम लोग काम करें, और सबको अधिकार मिले, एक बिहार आगे बढ़े, तरक्की पहुंचे। हम लोग तो चाहते थे कि भाई बिहार में इन्वेस्टमेंट भी आए, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हमारे थे, पहली बार बिहार में जो है 50,000 करोड़ का MOU जो है इन्वेस्टर मीट में जो है वो साइन किया गया, हम लोगों ने IT पॉलिसी लाया, टूरिज्म पॉलिसी लाया, पर्यटन बढ़े इसकी दिशा में भी हम लोगों ने काम किया है, IT के सेक्टर में भी हम लोगों ने काम किया है, कई अमेरिका की कंपनी जो है यहाँ पटना में ब्रांच खोला है जिसका हमने खुद उद्घाटन जाकर के किया था, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे समीर वासीर जी, उनके साथ भी जाकर के हम लोगों ने ये काम किया। तो हर एक क्षेत्र में हम लोगों का प्रयास रहा है कि बिहार को हम लोग आगे बढ़ाएं, कोई हमारा भाई जो है छूटे ना पीछे, सबको साथ लेकर के चले, सभी लोगों के साथ हम लोग न्याय करें, इसी काम को हम लोगों ने किया है। तो आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग जो है ताकत बनिएगा। और मुख्यमंत्री जी का कोई विजन नहीं है, कोई अब पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनकी जो ख्यालात है, पुराने ख्यालात के लोग हैं, अब उनसे काम कुछ हो नहीं पा रहा, तो नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, उनको कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता। हालांकि हमारे पहले भी हम बोलते रहे कि हमसे बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं और आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे, लेकिन अगर बिहार के हित के बारे में अगर बात किया जाए तो अब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है, और उनको तो खुद ही स्वयं ही इस पद से जो है त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी है। आप देखिएगा उनको जो पीड़ा है, जो केवल जो पीड़ा है वो तीसरी नंबर की पार्टी बनकर के आए हैं, असली पीड़ा वही है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई वो चाहते हैं कि भंग करा दे, जो बिहार विधानसभा जो है वो भंग कराना चाहते हैं। अब क्यों भंग कराना चाहते हैं, क्या बात है, क्या कारण है, यही इनका मकसद है कि भाई 7 चुनाव करा लो, 7 चुनाव करा कर के बिहार विधानसभा का, लोकसभा के साथ, ताकि नीतीश कुमार जी की सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की न्याय प्रिय जनता जो है सच को देख रही है, काम करने वालों को जानती है और उस पर जो है विश्वास करेगी, और आगे कुछ भी हो हम तो आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, मरने मिटने हम आए हैं, हमें
कोई पद का लालच नहीं है, हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। आप लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक बिहार जो है विकसित राज्य में नहीं चुना जाता, तब तक हम आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि कल से हमारा यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है और जन विश्वास यात्रा इसका नाम रखा गया है। आप लोगों ने विश्वास जताया है तो आपके बीच बिहार के हर एक जिलों में जो है हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जन विश्वास यात्रा में आप सब लोगों का साथ मिलेगा, आप सब लोग इसके भागीदार बनेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, नौकरी रोजगार के लिए, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के लिए, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के लिए जो आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो इस काम को हम युवा मिल करके करके दिखाने का काम करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग जो है कल से इस यात्रा में हर जिले जो है आप लोग सम्मिलित होइएगा और बिहार को आगे ले जाने में योगदान दीजिएगा। और हम बीच बीच में हमेशा आप लोगों से भी जुड़ने का काम करेंगे, आपकी बातों का भी सवालों का भी हम समय समय पर जवाब दिया करेंगे और ये सिलसिला लगातार चालू रहेगा और इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यही विराम देते हैं।